ये तस्वीरें आप देख रहे हैं मंगलोरा में जो चार पुजारियों की हत्या हुई थी, उस मामले में पांच आरोपियों को करनाल पुलिस की CIA शाखा ने गिरफ्तार कर लिया है। हम आपको बताएं कि 19 तारीख को करनाल उत्तर प्रदेश सीमा पर जो एक मंदिर था उसमें पांच पुजारियों पर हमला हुआ था। चार पुजारियों की मौत हो गई थी, दो के मौके पर हुई थी जबकि दो ने बाद में दम तोड़ दिया था। और आप देख सकते हैं कि पांच हत्यारोपियों को करनाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक बहुत ही बड़ी खबर है क्योंकि काफी सिरदर्द बना हुआ था पुलिस के लिए चार लोगों की हत्या का यह मामला। और आप देख सकते हैं कि इसमें गिरफ्तारी हो गई है और करनाल SP समय लाइव मौजूद है जो प्रेस वार्ता कर रहे हैं। आप तस्वीरें समय देख सकते हैं। एक सेकंड नमस्कार सर, आराम से बैठ जाइए, ये रख लो, आराम से बैठ जाइए, आप सारे बैठ जाइए, ये रख लीजिए आराम से, एक मिनट, कोई नहीं आराम से आगे सारे आगे हो सर, एक सेकंड सर सेट कर लें, थोड़ा सा आगे कर सकते हैं, बस ज्यादा कम। हाँ जी सर, क्या बना मंगलोरा में जो 19 तारीख को दो पुजारियों के मौके पर हत्या हुई थी, दो की बाद में मौत हुई थी, चार की हत्या का मामला था, सिरदर्द बना हुआ था पुलिस के लिए, क्या कुछ इसमें कामयाबी हासिल हुई है? देखिए, जैसे आप सभी जानते हैं 18-19 की जो रात को मंगलोरा गांव में ये भाई बहन मंदिर था जहाँ दो व्यक्ति की मौके पर मौत हुई थी और अन्य दो की ड्यूरिंग ट्रीटमेंट एक्सपायर हुए थे। ये काफ़ी सीरियस मुद्दा था, तभी से हमने अपनी सारी टीम इसमें लगा रखी थी। FIR बाय नेम कराई गई थी लेकिन उसमें वो जब हमने वेरीफाई किया सभी एंगल से तो उससे एक वेपन भी रिकवर हुआ, लेकिन इस केस में उसका संबंध फिलहाल की तफ्तीश तक कोई नहीं पाया गया। फिर भी हमने उसके पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए कंसेंट लेके उसको अभी परमिशन कोर्ट से ले रखी है। तो लेकिन जो ये मॉडस ऑपरेंडी था जिस हिसाब से हत्या की गई थी और लूटपाट की घटना हुई थी, ऐसी हमने आसपास की स्टेट्स में सारी जगह कौन कौन क्रिमिनल्स इन्वॉल्व हैं, किस तरह के गैंग इन्वॉल्व हैं, उसके बारे में डिटेल तहकीकात करके और अपने सोर्सेज लगा के और जो टेक्निकल सर्वेलेंस है उसके माध्यम से आज हमने इन पांच व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है जो इसमें किया है। कौन लोग हैं सर ये पाँच व्यक्ति है अभी फिलहाल, क्योंकि जब तक पुलिस रिमांड पे है और कुछ व्यक्तियों की गिरफ्तारी बकाया है तो इस स्टेज में हम इनके नाम अभी आपको नहीं रिवील करेंगे। जब इनकी पुलिस रिमांड कंप्लीट हो जाएगी तो आप तो सर लूट की मंशा से हत्या के चलो इनकी जो अब तक इन्होंने बताया है पूछताछ में ये लूट की मंशा से आए थे और वो डिटेल में इन्होंने बताया कि कैसे इन्होंने कहां से जो पेड़ की टहनी तोड़ी, कैसे कितनों आदमियों को बांधा, कुछ रिकवरी भी इनसे अभी ने फिलहाल अभी करनी है जो ये निशानदेही करा के कराएंगे। अभी अभी हम इसको इससे ज्यादा डिटेल फिलहाल क्योंकि बाकी अरेस्ट पेंडिंग है, पुलिस ये यूपी हरियाणा बॉर्डर से इनको अरेस्ट किया है, एक रिलायबल सोर्स था और काफ़ी दिन से ये गैंग जो है सर्वेलेंस पे था। ये गैंग इंटरस्टेट गैंग है, काफ़ी जगह इनकी और भी मेंबर है जो किसी तरह के वारदात में संलिप्त हैं। जो अभी इन्होंने प्रिलिमिनरी पूछताछ में बताया वो सारे डिटेल्स हम वेरीफाई। सर टोटल कितने लोग थे जो ये हमला करने वाले थे जी? इसमें करीब 8 या 9 के आसपास ये बता रहे हैं। एक और लड़का था जो वहाँ से एब्सकॉन्ड कर गया, उसका नाम वगैरह हमारे पास आ गया है, जब उसे भी गिरफ्तार करके बाकी सारी बातें क्लियर। अभी पांच अरेस्ट हुई है सर इसमें इनिशियली, अभी पांच जो है व्यक्ति। सर कितने लोगों की हत्या हुई थी इसमें? दो के मौके पर ही होगी। इसमें जो है टोटल पाँच आदमी थे, पाँचों ही इंजर्ड थे, दो मौके पर एक्सपायर मिले थे और बाकी दो की जो है हत्या ड्यूरिंग ट्रीटमेंट हुई थी और इनकी पाँचों को जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं सभी को ब्लंट इंजरीज थी। एक ये भी उस टाइम अफवाह थी कि इनकी जीप काट दी गई है, लेकिन मेडिकल रिकॉर्ड के मुताबिक सबकी ब्लंट इंजरीज थी, कोई भी शार्प इंजरी किसी की बॉडी पे नहीं थी। सर एक बिल्कुल ही ब्लाइंड मर्डर था, चार लोगों की हत्या हुई और काफ़ी पुलिस के लिए सिरदर्दी बना हुआ था, तो काफ़ी कामयाबी हासिल हुई है, तो टीम के बारे में भी कहना चाहेंगे उन्होंने? बिल्कुल, बहुत मेहनत की है, पिछले 10-12 दिन से हमारी टीम यूपी में ही थी और काफ़ी हमने इसमें सोर्सेज भी लगाए, काफ़ी जो पुलिस अधिकारी और स्टेट के हैं और जिले उनसे भी मदद ली, तो इसी का ये जो है रिजल्ट है कि पांच आदमी। सर इनिशियली कुछ पता लग पाया कि ये लोग क्रिमिनल हैं या पहली दफ़ा ये वारदात को अंजाम दिया? देखिए, इन्हें आज अरेस्ट किया है, अभी इन सबको हम फैक्ट्स को वेरीफाई करेंगे
इस स्टेज पे अभी कुछ भी बताना ठीक नहीं। सर एक बबली सरपंच की हत्या का मामला था, उसमें परिवार को सुरक्षा मिली हुई है, लेकिन अभी तक कोई क्लू हाथ लग पाया हो, किसी को दोबारा से कोई धमकी आई हो, थ्रेट आया हो, कुछ इस तरह की कोई बात आई हो? उसके बाद कोई थ्रेट की बात तो नहीं है, उस पर भी हमने टीम लगा रखी है और बहुत जल्द, क्योंकि उसमें बाई नेम है, वो सारा इशू क्लियर हो गया है, केवल उनको नैप करना बका है। सर फेसबुक पे धमकी दी थी उसमें से एक आरोपी ने, उसमें एक आरोपी जबरा था जो उसका अकाउंट उसके नाम से चलता है जी, उससे वो धमकी दी गई थी, उसकी जो डिटेल्स हासिल हो सकते हैं वो हमने कर लिए हैं, उस पर भी अब टीम लगा रखी है, जैसे ही अरेस्ट हो गया। तो सर इस तरह की चर्चा है कि वो विदेश भाग गए हैं, कुछ ऐसा भी हाथ लग रहा है, कुछ कहीं मतलब भाग चुके हैं यहाँ से, कोई ऐसा क्लू लगा हुआ नहीं? ऐसा हम जो अभी तक कोई ऐसा एसपी को विदेश जाएगा तो पासपोर्ट अपने नाम से या वीज़ा के लगा के जाएगा जी, इस नाम से ऐसा कोई व्यक्ति गया नहीं जी, बाकी हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है यही है। सर ये जो बदमाश पकड़े गए हैं इनमें कोई माइनर भी है क्या? पढ़ने वाले भी हैं, कोई स्टूडेंट भी है? तो ये जो आज के पांच आरोपी पकड़े गए हैं अभी तक तो देखने में, बाकी एक इसमें डाउट है वो वेरीफाई कर लेंगे कि वो। तो कोई हथियार भी मिले इनसे सर? कुछ नहीं, इन्होंने हथियार जो बताए कहीं, जो बाकी भी वारदात पूरा गैंग है जो मोटर सुपरेंडी है, कोई भी हथियार साथ लेकर नहीं चलते, वहीं जंगल से खेत से बड़ी मोटी टहनी तोड़ के ये वारदात को अंजाम। कितने दिन का रिमांड इनका लिया जाए? हम तो कोशिश करेंगे 10 दिन कम से कम लिखेंगे उसमें, ताकि बाकी बात मंदिर से लूटने क्या है, मंदिर में कोई पैसा था नहीं, वहाँ पर ऐसे मूर्ति बहुत बड़ी, इनके पास भी जो मरे हैं उनके पास भी कुछ ज़्यादा पैसे हैं? हाँ, बहुत ज़्यादा कैश नहीं था जो इन्होंने रैकी की थी, वो भी बाकी डिटेल में पूछेंगे, नहीं उनके पास गोल्ड की चेन और कुछ अंगूठी वगैरह उन्होंने पहनी हुई थी, कैश भी था उनकी पॉकेट्स में, गल्ले भी जो हैं मंदिर के तोड़ रखे थे, और कब रैकी की गई, किसने रैकी की, वो भी इन्होंने कुछ बताया है, वो हम सारी। सर यूपी सीमा से क्राइम इस तरह से काफी बढ़ रहा है, हम पिछले दिनों गए थे यूपी सीमा पे, कैमरे हमने वहाँ पर देखे थे, कैमरे बहुत ही लो क्वालिटी के, थर्ड क्लास क्वालिटी के कैमरे हमने चेंज कर दिए, 3-4 दिन बाद ही चेंज करवा दिए नए कैमरे वाला। जैसा कि करनाल में शहर में लगे हुए कंट्रोल रूम से भी देख सकते हैं उन कैमरे को, ताकि उस तरह अभी वो फैसिलिटी, क्योंकि मंगलोरा में जो कैमरे हैं उसमें वो फैसिलिटी नहीं कि हम यहाँ कंट्रोल रूम में देख सकें, लेकिन वहाँ क्वालिटी उनकी बेटर होगी, लेकिन डेली वहाँ रिकॉर्डिंग सकते हैं। सर एक खेल अधिकारी पे मामला दर्ज हुआ था आपको, हाँ। जो किसी महिला ने आरोप लगाया, उसमें एक कंप्लेंट आई थी, हमने केस दर्ज कर दिया है और उसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है, जैसे वो स्टेटमेंट देगी कोर्ट में, उसकी कल स्टेटमेंट हुई है। केस ऑफ सेक्सुअल हैरासमेंट, क्या आरोप लगाए थे? उसने तो आरोप यही लगाए थे हैरासमेंट, सेक्सुअल हैरासमेंट। सरपंच भी मिले थे सर कल आपसे? कल सरपंच भी मिले थे, वो बल्कि इस फेवर में थे, उनका ये मानना था कि एम्बुलेंस वहाँ जरूर हो, जब प्राइवेट हो सरकारी हो, ताकि एक्सीडेंट्स वहाँ काफी होते हैं तो इमीडिएटली हेल्प मिल सके। बाकी हम इसमें एक और एंगल देख रहे हैं, कोई पेशेंट, यदि कोई पेशेंट की अभी तक कोई कंप्लेंट नहीं है, तो कोई ऐसा पेशेंट हो जो जो इस एम्बुलेंस को यूज हुई है, क्योंकि जो अभी बताया गया है 2 या 3 बार ही यूज़ हुई है लास्ट 2-3 महीने में, तो कौन पेशेंट है, उनका क्या व्यू है, वो सारा भी ड्यूरिंग इंक्वायरी दिया जाए। सर ये मामला जो भाई करण मंदिर वाला हो, इसमें जो लूट की बात अगर बताई जा रही है, तो इसमें जो जीभों को काट दिया गया है, इस मामले को किसी को? मैं बता रहा हूँ जो मेडिकल रिपोर्ट है उसमें कोई भी शार्प इंजरी नहीं दी गई है, इसमें सारी ब्लंट इंजरी है, तो वो जैसे अगर कोई मोटी टहनी या डंडा लगता है फेस पे, उससे भी कट सकती है। ठीक ये तस्वीरें से मैं आप करनाल के एसपी कार्यालय से देख रहे थे, जहां पर आपने देखा कि जो 19 अगस्त को करनाल उत्तर प्रदेश सीमा पर मंगलोरा के पास एक जो मंदिर था, भाई बहन का मंदिर, वहां पर 4 पुजारियों की जो हत्या का मामला था, उसमें करनाल पुलिस को कामयाबी हासिल हुई है और करनाल पुलिस के लिए सिरदर्दी भरा बना हुआ था, और उसमें 4 आरोपियों को करनाल पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आपको बताया कि 2 पुजारियों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि 2 पुजारियों की जो है बाद में मौत हुई थी, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी कामयाबी करनाल पुलिस के हाथ लगी है। और मंगलोरा पुलिस चौकी के पास बने मंदिर में जो एक 4 पुजारियों की हत्या का मामला था, उसमें 5 आरोपी गिरफ्तार कर लिए हैं, जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले बताए जा रहे हैं। कमल विड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।